राजकुमारी रेणुका। गिरजारन जी, ये हमारे राष्ट्र के सम्मान पर आघात है कि यहां आकर इनका ऊंट चोरी हो गया। इसमें मंत्री जी मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो इनके ऊंट को देखा तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, ऊंट के बारे में सारी जड़ बातें इन्होंने तो बता दी हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं है। अवश्य ही ये योगी ढोंगी है और असत्य बोल रहे हैं। मैंने जो कुछ भी कहा है अक्षर से सत्य है। चूड़ामन जी, गिरिजानंद जी ने जो भी विवरण दिया है क्या वो पूर्ण रूप से सत्य है? हाँ राजन, उस ऊंट पर गेहूं और गुड़ लदे हुए थे। ये भी सत्य है कि उस ऊंट को एक आंख से दिखाई नहीं देता था, और तो और उसके एक तरफ का एक दांत टूटा भी हुआ है। आप तो ऊंटों को बेचने जा रहे थे ना, तो फिर उन पर गेहूं और गुड़ क्यों लादे हुए थे आपने? राजन, हमारी यात्राएं महीनों तक होती हैं। मार्ग में पड़ने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें इस प्रकार का सामान रखना ही पड़ता है। पूरा सामान ऊंट के साथ चोरी हो गया है। यदि वो मुझे नहीं मिला तो मेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, और यदि कल वो पशु मेला में ना पहुंचा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। महाराज, योगी जी के अतिरिक्त वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। इनसे मेरा ऊंट दिलवा दीजिए महाराज। अवश्य ही इन्होंने देश भ्रमण के लिए मेरे ऊंट को चुरा कर किसी गुफा या कंदरा में रख दिया है। गिरिजानंद जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो योगी होते हैं कभी चोरी नहीं करते। फिर भी किसी क्षण आपके मन में ये लालच आ गया हो तो ये प्रायश्चित करने का सुअवसर है। यदि आपने इनका ऊंट लिया है तो लौटा दीजिए, आपको कोई अपराधी नहीं ठहराएगा। मैं सच्चा योगी हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने उस ऊंट को देखा तक नहीं है। ये योगी ढोंगी है, किसी ने ऊंट चुराया होगा। आप सब लोगों के हाव भाव से ये प्रतीत होता है कि आप लोग मुझे दोषी समझ रहे हैं। महाराज, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व आपको और आपके सभासदों को यह सिद्ध करना होगा कि मैं दोषी हूं, अन्यथा एक निर्दोष योगी की हाय आपको और आपके सभासदों को जन्म जन्मांतर तक चैन से नहीं रहने देगी। महाराज, अगर आपके राज्य में मुझे न्याय नहीं मिला तो आपका यश धूल में मिल जाएगा। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। महाराज, एक काम कीजिए, 1000 स्वर्ण मुद्राओं की घोषणा कर दो। जो भी इस गुत्थी को सुलझाएगा उसे पारितोषिक दिया जाएगा। सभासदों, आज राज्यसभा में एक जटिल विवाद उपस्थित हुआ है। पूरी परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात महाराज ये घोषणा करते हैं कि जो भी विद्वान इस विवाद का हल करेगा उसे पुरस्कार स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। महाराज, योगी जब ऊंट के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि इसने ऊंट को देखा ना हो? ये झूठ बोल रहा है, योगी ने ही ऊंट चुराया है। महाराज, योगी तो सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, ये भला चोरी करके अपनी तपस्या नष्ट क्यों करेंगे? मुझे तो लगता है महाराज, व्यापारी का योगी से कोई वैर है, इसलिए इन्हें झूठे विवाद में फंसा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों ही मिलकर हमारे राज्य के न्याय की परीक्षा ले रहे हैं। महाराज, सारी स्थितियां इसी ओर संकेत कर रही है कि ऊंट योगी ने ही चुराया है।
आप आसपास के वन और गुफा कंदराओं में ढूंढवाइए, शीघ्र ही इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। महाराज, राजकुमारी रेणुका को आप बुलवा दीजिए, उनकी मेधा से मैं परिचित हूँ, मेरे ही देखरेख में उनका शिक्षण हुआ है, कदाचित उनकी विलक्षण बुद्धि इस गुत्थी को सुलझा देगी। राजकुमारी रेणुका को बुलाया जाए। राजकुमारी जी, योगी गिरिजा आनंद जी, क्या आपके पास आपकी सत्यता का प्रमाण है? योगी गिरिजा आनंद जी निर्दोष है। इन्होंने ऊंट की चोरी नहीं की है। राजकुमारी जी, ये गेहूं और गुड़ तो मेरे ही ऊंट के ऊपर बंधी हुई पोटलियों के हैं, वहीं से निकाल के लाए होंगे। यह देखकर भी आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकती हैं? मैं जानती हूँ कि ये आपके ही ऊंट पे लदे हुए गेहूं और गुड़ का अंश है। गिरिजा आनंद जी, पूरी कहानी आप बताएंगे या मैं बताऊं? राजकुमारी जी, आपके श्रीमुख से ही अच्छी लगेगी। सूक्ष्म निरीक्षण के बाद आप पाएंगे कि इन गेहूं के दानों में धूल के कण भी हैं। इस गुड़ पे भी धूल चिपकी हुई है। इसका अर्थ ये है कि इन्हें जमीन से उठाया गया है, ना कि ऊंट पे लदे हुए पोटलियों से निकाला गया है। ये पत्ते वृक्ष पर इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि कोई भी व्यक्ति या सामान्य पशु इन तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए योगी जी ने ऊंट के द्वारा इनके खाए जाने का अनुमान लगाया तथा ये पत्ते इस प्रकार खाए गए हैं कि इसका एक हिस्सा कटने से बच गया, अर्थात ऊंट के मुंह के उस हिस्से में दांत था ही नहीं। महाराज, ये सब कहानी बनाई जा रही है। अगर मैं मान भी लूं कि ये सत्य है, तो ये बताएं कि ऊंट एक आंख से देखता है, इस बात के बारे में इनको ज्ञात कैसे हुआ? महाराज, न्याय कीजिए। इसका सत्य मैं बताता हूं। ऊंट जिस पगडंडी से निकला था, उस पगडंडी के दोनों ओर यही वृक्ष लगे थे, किंतु ऊंट ने मात्र एक ही ओर से पत्ते खाए, जिससे मैंने अनुमान लगाया कि ऊंट को दूसरी आंख से दिखाई नहीं देता। योगी जी का स्वभाव है कि ये मार्ग से लेकर पेड़ पौधे वनस्पतियों आदि का सूक्ष्म निरीक्षण करते रहते हैं। जब ये पगडंडी पर चल रहे थे, इन्हें गेहूं गुड़ पत्ते आदि दिखाई दिए, पर ऊंट कहीं घने वन में चला गया था, इसीलिए ये ऊंट को नहीं देख पाए।
अतः ये सिद्ध होता है कि ये निर्दोष है, इन्होंने ऊंट की चोरी नहीं की। साधो, साधो। चूड़ामन जी, हमारे राज्य में आपका ऊंट खोया है, आप राज्यसभा तक आए हैं तो आपको निराश नहीं भेजेंगे। धन्यवाद। राजकुमारी जी, ये स्वर्णमुद्रा मुझे किस लिए? हमारे राज्य में जो आपको दोष आरोपण के कारण पीड़ा हुई है, ये उसी की क्षतिपूर्ति के लिए है। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, योगी के लिए तो सबसे बड़ा धन भगवान की भक्ति है। ये स्वर्णमुद्राएं इन्हें दे दीजिए, मेरे लिए तो स्वर्णमुद्रा और मिट्टी के ढीले में कोई अंतर नहीं है। क्षमा करें योगी जी, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा कीजिए। खड़े जा। राजकुमारी की जय हो, महाराज की जय हो, राजकुमारी की जय हो, महाराज की जय हो। आप अपने उस प्रिय हंस श्वेत केतु को बुलाइए ना, कितना सुंदर है वो। हाँ राजकुमारी जी, हम उसको दाना चुगाएंगे, जल में उसके साथ क्रीड़ा करेंगे, बहुत आनंद आएगा, बुलाइए ना राजकुमारी जी। राजकुमारी जी। अच्छा, देखो कितना प्रेम है हंस और हंसनी में, सदैव जोड़े में रहते हैं। आप अपना जोड़ा कब बनाएंगी राजकुमारी? जिसके साथ जोड़ा बनना होगा वो स्वतः ही आ जाएगा। राजकुमारी जी, आप हैं ही इतनी सुंदर कि आपके जोड़े वाले राजकुमार भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना सुमन? जल, जल लेकर आओ। किस निर्दय ने इस पर तीर चलाया? श्वेत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। श्वेत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम स्वस्थ हो जाओगे श्वेत। राजकुमारी रेणुका जी, आप? तुमने तीर चलाया? किसने अनुमति दी तुम्हें इसका अखेट करने की? मैं बहेलिया हूँ, अखेट ही मेरा और मेरे परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। तुम इसे स्वस्थ कर सकते हो? जब तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी के जीवन छीनने का क्या अधिकार है तुम्हारा? मुझसे गलती हो गई राजकुमारी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम स्वस्थ हो, युवा हो, कोई भी काम कर सकते हो, किसी के प्राण छीनकर अपने परिवार का पेट भरना राक्षसी कृत्य है। तुम्हें काम चाहिए ना, राजभवन आ जाना, काम मिल जाएगा। बहुत अच्छा राजकुमारी जी, मैं इस हंस का तो भी कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से हिंसा का मार्ग त्याग दूंगा और इस हंस के लिए अपने हृदय से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। की दशा बिगड़ती जा रही है, यदि इससे कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। जाओ और जाके राजवैद्य जी को बुलवाओ। इतना समय नहीं है राजकुमारी। वो देखिए राजकुमारी, वहां से कुछ ऋषि मुनि आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इसे संभालो। ऋषिवर, ऋषिवर मेरी सहायता कीजिए, मेरे श्वेत केतु को बचा लीजिए, वो अंतिम श्वास ले रहा है। श्वेत केतु? हाँ, मेरा मित्र श्वेत केतु। आप सब तो तेजस्वी ऋषि हैं, अपने तपोबल से उसके प्राण बचा सकते हैं। देवी, आपका परिचय? मैं रेणुका, यहाँ की राजकुमारी। मेरे श्वेत केतु की जान बचा लीजिए, मेरी आपसे विनती है। मेरे कारण ही उसके प्राण संकट में पड़ गए हैं, शीघ्र कीजिए। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। कहाँ है आपका मित्र श्वेत केतु? उस ओर आइए। ऋषिवर, श्वेत केतु। ये है? ये श्वेत केतु है? ये हंस है? हाँ ऋषिवर, एक बहेली ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया है। राजकुमारी, अब एक क्षत्राणी है और एक हंस के प्रति इतनी व्याकुलता कि अपने प्राण भी त्यागने को तत्पर है। प्राण तो प्राण होते हैं ना ऋषिवर, चाहे वो पक्षी के हो या मनुष्य के। तो एक हंस के लिए आप अपने प्राणों की आहुति दे सकती हैं देवी? अवश्य, वो मेरे बुलाने पर ही यहाँ आ रहा था, और मैं किसी की मृत्यु का कारण बनूं, वो भी मेरी स्नेही मित्र श्वेत केतु के मृत्यु का कारण। यदि मेरे प्राण देने से उसके प्राण बचते हैं तो मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हूँ। अब उचित है, मैं प्रयास करता हूँ देवी। कैसे कहूं कि आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। आपने इसे नहीं, मुझे जीवन दान दिया है। आपका एक जीवन मेरा ऋण ही रहेगा। अवश्य ऋषिवर, आप जब चाहे ये ऋण वापस ले लीजिए। अपना परिचय तो देते जाइए ऋषिवर। मैं भार्गव, महर्षि भृगु का पौत्र, महर्षि ऋचिक का पुत्र। जमदग्नि हूं। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूं। मैं जानती हूँ कि आप और माँ मेरे लिए जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में ही होगा। वैसे मैंने अभी उन्हें स्वीकृति दी नहीं है, यदि तुम चाहो तो। स्वीकृति दे दीजिए पिताजी। अच्छे से सोच विचार कर लो पुत्री, जमदग्नि एक ऋषि है और तुम राज वैभव में पली बड़ी राजकुमारी। ऋषि के आश्रम में वैभवहीन जीवन कैसे बिता पाओगी? ना कोई सेवक होगा, ना कोई सुख सुविधा, भिक्षान से पेट भरना होगा। त्याग और समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा, केवल त्याग और समर्पण। आप कह तो उचित ही रहे हैं पिताजी। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी राज परिवार के राजा या राजकुमार की पत्नी बन जाऊं, तो मुझे वो भी स्वीकार है। आप पिता हैं, मेरे हित के लिए ही तो सोचेंगे। इसीलिए तो मैंने उन्हें स्वीकृति नहीं दी। मैं अपनी पुत्री को किसी बड़े राजघराने की रानी बने हुए देखना चाहता हूँ। हाँ, ये भी उचित है। किसी बड़े राजा के अनेक रानियों में से मैं भी एक रानी कहलाऊंगी, जो किसी बड़े देश का सम्राट हो, छल बल से शासन व्यवस्था चलाए, छोटी छोटी बात में अहंकार वर्ष युद्ध की घोषणा कर दे। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? सत्य कह रही हूँ पिताजी।
बड़े राजघरानों में तो यही होता है, बात बात पे युद्ध, शासन पाने के लिए आपस में ही घात प्रतिघात। और कभी इस सभी में वो वीरगति को प्राप्त हो जाए तो मुझे एकागी जीवन बिताने का अवसर प्राप्त हो। पिताजी, आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार्य है। तुम सच कह रही हो पुत्री, मैं ऋचिक जी को अपनी स्वीकृति दे देता हूं। रेणुका, मां हूं मैं तुम्हारी, सब समझती हूं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। सच सच बता, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं माँ। ऋषि जमदग्नि तुम्हें बहुत पसंद है ना? माँ, प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजन, यशस्वी भव। प्रणाम। महर्षि ऋचिक, देखिए महर्षि भृगु पधारे हैं। पिताश्री। कल्याण हो वत्स। आइए। वत्स, क्षमा प्रार्थी हूं पितामह, यदि कोई त्रुटि हो गई हो। तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई वत्स। हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार विवाह के दिन वर भगवान विष्णु का रूप हो जाता है। अतः आज मैं तुमसे चरण वंदन नहीं करा सकता। हाँ, नमन अवश्य स्वीकार्य है। स्वीकार करें पितामह। कल्याण हो वत्स। तुम्हारे प्रियतम तो वही है ना जिन्होंने श्वेत केतु को प्राण दान दिया था। अच्छा,
तो हमारी युद्ध भी शत्राणी सखी रज्जाना भी जानती है। लाज तो हर नारी का आभूषण होता है, फिर वो शत्राणी हो या ब्राह्मण, राजकुमारी हो या निर्धन कन्या। किंतु हम अपनी तलवार निपुण सखी से लज्जाने की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। सुंदर सजाया है, यदि श्रृंगार पूरा हो गया हो तो चले, गौरी पूजा का समय हो गया है। महाराज प्रसन्नजीत ने वर के लिए ये वस्त्र और आभूषण भिजवाए हैं, इन्हें ही पहनना है जमदग्नि को। इस विवाह से खुश तो हो ना? मौन का अर्थ भी स्वीकृति होता है स्वामी। अरे शीघ्रता करो सत्यवती, प्रस्थान का मुहूर्त हो रहा है। माँ गौरी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी पुत्री रेणुका के जीवन में कभी कोई दुख ना आए, इसे आशीष दे। आ गए हमारे योगी जी, मैं अभी देखकर आ रही हूँ। कैसे सुंदर और सजीले लग रहे थे, तुम भी देखोगी ना तो मुरझित हो जाओगी। धन
महाराज प्रसेन जी, ये सब क्या है? छोटी सी भेंट है ऋषिवर। पिताजी, क्या आपको संशय है कि राजभवन के सुख और वैभव में आपकी पली हुई पुत्री इन अनमोल वस्तुओं के बिना आश्रम में सुख से नहीं रह पाएगी? ऐसा नहीं है पुत्री, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो प्रथा है, युगों युगों से चली आ रही है। नव दंपति को लिए अपना घर बसाने के लिए ये सब उपहार स्वरूप दिया ही जाता है। नहीं पिताजी, यदि ये प्रथा है भी तो इसे अभी से बंद कर देना चाहिए। आर्य श्रेष्ठ गृहस्थी बसाने में पूर्ण तरह से सक्षम है, और वैसे भी नारी के लिए जहाँ पति का स्थान है वही उसका स्वर्ग है। फिर वो राजभवन हो या आश्रम की कुटिया, पति का प्रेम और परिवार का स्नेह नारी की सबसे बड़ी खुशी होती है। बाकी सब तो मात्र दिखावा है। कदाचित आर्य श्रेष्ठ मुझसे सहमत होंगे। आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं देवी रेणुका। आश्रम के जीवन में इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी कैसा भागा पिता, सब कुछ होते हुए भी मैं अपने हृदय के टुकड़े को कुछ नहीं दे पा रहा हूं। कुछ नहीं पिताजी, मैं यहां से बहुत कुछ ले जा रही हूं। आपका आशीर्वाद, मां के दिए हुए संस्कार। महाराज प्रसेनजीत, महारानी, आपने अपनी पुत्री को अत्यंत उत्तम संस्कार दिए। इनकी बुद्धिमता और कौशल के बारे में जितना सुना था उससे कहीं अधिक पाया। हमारे लिए सबसे अमूल्य उपहार तो ये है। जी राजन, अनेक निर्धन पिताओं को दीनता के आंसुओं में डुबोया इस प्रथा ने। निर्धन पिता अपनी पुत्री को वो सब नहीं दे पाता जो कन्या धन के रूप में उसे मांगा जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी कन्या को प्रताड़ना सहने के लिए विवश किया जाता है। अतः ऐसी कुप्रथा को तो समाप्त कर देना ही उचित है। किंतु ऋषिवर, कुछ तो माँ। पिताजी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना कर दीजिए कि यह समस्त धन आदि हमारे राज्य की निर्धन कन्याओं की पानी ग्रहण की व्यवस्था में व्यय कर दीजिए। मुझे स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। मैं धन्य हुआ पुत्री, मैं धन्य हुआ। आज मैं अपने जीवन का सबसे अनमोल धन विदा कर रहा हूं। तो पुत्री नहीं, महालक्ष्मी है। सदा सुहागन रहो पुत्री, सदा सुहागन। पिताजी, ला मुझे तो इतना भी कष्ट मत उठाओ। गृहस्थी केवल स्त्री संभालती है, ऐसा तो किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है। इसमें पुरुषों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, परंतु तब जब उन्हें रसोई का कुछ ज्ञान हो। अन्यथा रसोई को हाथ बनते देर नहीं लगती। आप रहने दीजिए स्वामी, ये स्त्रियों का कार्य है। कदाचित आप क्या छिपा रही हैं? नहीं स्वामी। दिखाए मुझे।
विशेष नहीं है, मात्र सिलबट्टे में उंगली दब गई थी। कदाचित शत्राणी ही इतनी सहनशील हो सकती है। इससे आपको शीघ्र आराम मिल जाएगा, किंतु अब आपको कोई कार्य नहीं करना है, केवल आराम करना है, समझिए आप। अब आप एक साध्वी हैं, इस शास्त्र अभ्यास की क्या आवश्यकता है? ऋषिवर, जीवन में जितनी शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है, उतना ही शस्त्र चालन का ज्ञान भी आवश्यक है। मनुष्य को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कहीं विद्वता काम आती है तो कहीं वीरता। देखिएगा, अब ये पौधा शीघ्रता से बढ़ेगा। हम दोनों इसके माता पिता जो बन गए हैं, खूब ध्यान रखेंगे इसका, अपने आने वाले संतान के भांति। रेणुका को आत्मबल दीजिएगा। बधाई हो ऋषिवर, आप पिता बन गए हो। रेणुका माई ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया है। सब अपना अपना ध्यान माथे के मध्य पर केंद्रित करेंगे, वहां पर एक
ज्योति दिखेगी। भ्रातर भुवन, नेत्र तो बंद है पर ज्योति कैसे दिखाई देगी? राम, तब अपने अपने माथे के मध्य पर अपनी उंगली रखेंगे तो ध्यान केंद्रित होने लगेगा। कैसा रहा मेरा प्रहार माँ? है तो ये छल। किंतु रणनीति कहती है कि शत्रु के पराजय के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी उचित है पुत्र। तुम यशस्वी हो, तुम्हारा हर प्रहार यशस्वी हो, तुम्हारी जय हो पुत्र। एक योद्धा के लिए सब उचित हो सकता है, किंतु एक ब्राह्मण के लिए नहीं। ब्राह्मण के लिए वही उचित है जो वैदिक शास्त्रों में लिखा है। जिस प्रकार बिना म्यान के तलवार स्वयं अपने धारक को आघात पहुंचा सकती है, ठीक उसी प्रकार बिना शास्त्र शस्त्रधारी योद्धा किसी का भी अहित कर सकता है। इसलिए पुत्र, शस्त्रों को विश्राम दो और शास्त्रों पर ध्यान दो। किंतु स्वामी, संतान की सर्वांगीण विकास के लिए शस्त्र शिक्षा भी तो आवश्यक है ना? एक योद्धा के लिए शस्त्र शिक्षा प्रदान हो सकती है, किंतु एक ब्राह्मण के लिए नहीं। एक ब्राह्मण के लिए शास्त्र सम्मत बर्ताव ही श्रेष्ठ है। पुत्र राम, तुम यहां क्या कर रहे हो? रेणुका, इसका शिक्षा दीक्षा में तनिक भी मन नहीं लगता है। या तो पशु पक्षियों के साथ कीड़ा करता रहता है, या तो शस्त्रों में मग्न रहता है। जैसे जैसे सिद्धि प्राप्त हो गई हो पुत्र, पशुओं की भाषा जानना अच्छा है, किंतु शास्त्र अध्ययन आवश्यक है। शास्त्र भी मन लगा कर पढ़ता हूँ पिताजी, तो अब कंटेस्ट है मुझे। अच्छा, तो ऋग्वेद का स्वस्ति मंत्र सुनाओ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाय, स्वस्ति न स्तोयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। पंच महाभूत तत्वों के नाम बताओ। धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि। और गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी प्रकार अभ्यास करते रहो पुत्र। अवश्य पिताश्री। किंतु पिताश्री,
मुझे शस्त्र विद्या में अधिक रुचि है। मैं उसे भी सीखना चाहता हूँ। शस्त्र हिंसा का मूल है और शास्त्र शांति का स्रोत है पुत्र। किंतु पिताश्री, शस्त्र भी तो शांति का स्रोत होते हैं ना? अच्छा, वो कैसे? क्रूर और दुष्टों के मध्य शास्त्र का क्या कार्य पिताश्री? उन्हें शांति का पाठ केवल शस्त्र से ही सिखाया जा सकता है। एक ब्राह्मण को ऐसे विचार शोभा नहीं देते पुत्र। किंतु पिताश्री, मैं केवल वेद पाठी ब्राह्मण बनकर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर अन्याय का अंत हो। उसके लिए शास्त्र त्याग, यदि शास्त्र भी उठाने पड़े तो ब्राह्मण क्या, हर व्यक्ति को यही करना चाहिए। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। उचित है, तुमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, तुम शस्त्र विद्या के लिए जा सकते हो। सोच रहे हो राम? कुछ भी तो नहीं माँ। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद खीर लाई हूँ। शस्त्र हिंसा का मूल है। पिताजी को तुम्हारी शस्त्र विद्या पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं, इस कारण उदास हो? राम, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, पर तुम कभी हार मत मानना और वही करना जो तुम करना चाहते हो। तुम सभी भाइयों ने एक समान शिक्षा ली है, पर तुम्हारा रुझान शस्त्र विद्या की तरफ अधिक है। मैं चाहती हूं कि तुम महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम वहां से एक कुशल योद्धा ब्राह्मण बनकर निकलोगे।
राम। यह आवश्यक नहीं कि जो दिखाई दे रहा है वैसा ही हो। जल, वायु, अग्नि आदि पंच तत्वों का एक अपना महत्व है। इन्हें एक योद्धा को समझना होता है। जल के भीतर अगर कोई वस्तु है तो अपने स्थान से 2 अंगुल ऊपर दिखाई देती है। यदि तुम्हें उस वस्तु को लक्ष्य बनाना है तो जहां पर वो वस्तु दिखाई दे रही है उससे 2 अंगुल नीचे अपने लक्ष्य को साधो। धनुर्विद्या में दृष्टि भ्रम को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। समझ गया पितामह। ब्रह्मा जी का शोध है, शिव का रुद्र क्रोध है, श्री हरि से एक और राम, परशुराम, परशुराम। We'll be right back.
प्रणाम रेणुका माई। प्रणाम। प्रणाम रेणुका माई। प्रणाम। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हर दिन इसी मिट्टी से घड़ा बनाती हूँ, आज बन क्यों नहीं रहा? शकुन पक्षी का स्वर भी सुनाई दिया था, कहीं ये किसी अपशगुन के संकेत तो नहीं? मछली कहां से आ गई? ये मछली कहां गई? गिरती हुई भी नहीं दिखाई दी। ये हो क्या रहा है? क्या ये भी किसी भावी घटना के पूर्व संकेत है? क्या हुआ रेणुका, आने में बड़ा विलंब हो गया? स्वामी क्षमा करें, मैं उचित समय पर जल ले आती, परंतु वहां एकाएक कुछ विचित्र सी घटना घटने लगी थी। मैं जैसे ही जल भरती, मुझे घड़े में मछली दिखाई देती। जब घड़े का पानी वापस गिराती तो मछली न जाने कहां लुप्त हो जाती। मैं जब जब घड़ा जल से भरती, तब तब यही होता। हे महादेव, ये कैसी लीला है? क्या यह किसी अपशगुन के संकेत है? यदि है तो मुझ पर कृपा करिए, मेरी मदद कीजिए, अपशगुन को दूर कीजिए। स्वामी, मैं इसका कारण समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा था। संसार के रंगमंच पर हम तो मात्र, उस लीलाधर के पात्र, करने वाला वही है, उसकी लीला वही जाने। हम तो बस इसे एक संयोग कह सकते। परंतु पिताश्री, ये मात्र कोई संयोग तो नहीं। पुत्र सुषेण, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनका रहस्य समय के साथ बाहर आता है, हम बस उनकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। स्वामी, आपसे तो भूत वर्तमान और भविष्य कुछ नहीं छुपा, आप ही इस रहस्य से पर्दा उठाएं। कदाचित जीवन की क्षण भंगुरता का अर्थ हमें निकट भविष्य में समझ में आने वाला है। हाँ।
यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? वो राम है ना जी, अथर्वण ऋषिक के पौत्र, बस उन्हीं के पास। अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। देख नहीं रहे आप, वो ध्यान में लीन है, आप बाद में आइए। हे महाअथर्वण की संतान, क्या तुम्हारे द्वार पर आए हुए रोगियों के साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाता है? मुझे तुमसे मिलने से रोका जा रहा है। क्यों शोर मचाकर उनके ध्यान में विघ्न डाल रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पीड़ा से मरा जा रहा हूँ और तुम मुझे डंडे से रोक रहे हो। ए ढोंगी संतों, तुम ही तो कहते हो ना कि शरीर में ब्रह्म का वास होता है। तुम्हारे ये मूर्ख साथी ब्रह्म को तुम्हारे पास आने से रोक रहे हैं। आना, बाद में आना। प्यासा जब मर जाए तो उसे जल पिलाने से क्या लाभ? देखो राम, मैं कह देता हूँ, अगर मुझे तत्काल सहायता नहीं मिली तो मैं अपने गुरु दत्तात्रेय से कह दूंगा कि तुम कितने संवेदनाहीन हो गए हो। लगता है तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो। जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक मेरे रोगों का उपचार नहीं हो जाता मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बड़े हठी हो तुम, उत्पात करके पूजा में विघ्न डालोगे तो महापाप लगेगा तुम्हें। शांति, क्षमा करें, आपको कष्ट हुआ। आप मेरे साथ मेरे पिताजी के आश्रम चलिए, आपका वहीं उपचार हो जाएगा। अरे मूर्ख, तेरे अनुचर मुझे सता रहे हैं और तू सेवा की बात करता है। तुझे मेरी ये हालत नहीं दिखती, कैसे गिरते पड़ते मैं यहाँ तक आया हूँ? परंतु आपका उपचार कैसे हुआ? तुझे उपचार करना है तो मुझे अपनी गोद में उठा कर ले चल। चल। ऋषि कुमार, क्या कर रहे हो आप? ऋषि कुमार, ऐसे ऋषि कुमार, कुष्ठ रोगी है ये, मत छू ऐसे ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, क्या कर रहे हो आप? मत छू ऐसे ऋषि कुमार, कुष्ठ रोगी है ये, मत छू ऐसे ऋषि कुमार। बैसुसेंग, इन्हें उपचार जरूरत है। भीतर लेकर चलो। क्या देख रहे हो? क्या हंसी ठिठोली लगा रखी है? मैं हंसी का कोई पात्र हूं क्या? क्षमा करें भगवान, किंतु मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके बाकी के दो और शीश कहां हैं। दो और शीश? तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है क्या? बस गुरुदेव बस, अब आप अपना स्वयं परिचय देंगे या? या मतलब क्या है तुम्हारा? मैं जान गया हूं कि जो आप वास्तविकता में दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं आप वो हैं नहीं। क्या जान गए हो? कैसे जान गए हो? कैसे? प्रथम जब मैं आपसे मिला तो आपकी छाया धरा पर नहीं पड़ रही थी। पुनः जब मैंने आपको गोद में उठाया तो आपके देह से कुष्ठ रोग के दुर्गंध के स्थान पर दैविक सुगंध आ रही थी। अब ये माया त्यागिए और दर्शन दीजिए गुरुदेव। दत्तात्रेय आप, और भाग्य हमारे जो स्वयं दत्तात्रेय भगवान हमारे घर पधारे।
हम तो ये देखने आए थे कि सफलता ने राम की संवेदनाएं तो नहीं हार ली। देवी रेणुका, आपने उत्तम संस्कार दिए अपने पुत्र को। भगवान, मैंने तो मात्र माँ होने का उत्तरदायित्व निभाया है। गुरुदेव, मैं तो चरण रज हूँ आपका। आप अपने शिष्य को आशीर्वाद दे कि उसे जीवन में कभी भी अभिमान ना हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है राम, किंतु आज मैं कुछ और भी देने आया हूँ। राम, तुम्हें जीवन में अनेक कठिन कार्य करने हैं, अथा मैं आज ऐसी शक्ति प्रदान करने आया हूँ जिसके द्वारा तुम अंधकार में भी देख सकोगे। इस संसार का निर्माण करने वाले पंच महाभूत तत्व धरा, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपना तत्व का सार प्रदान करें। ओम, ओम, ओम। समस्त संसार पर सहस्त्रों सहस्त्र नेत्र से दृष्टि रखने वाले सूर्य देव अपनी तेजमय शक्ति से इस पंच तत्व के मेल से बनी आभा को तेज प्रदान करें।
रेणुका अभी तक आए नहीं। पुत्र वासु देख कर आओ। जी पिताजी। माँ को देखा तुमने? क्या माँ अभी तक आई नहीं? नहीं। इतना विलंब, अब मुझे चिंता हो रही है। इतने वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ समय पर चल लेकर ना पहुंची हो। आज ही विलंब हुआ है। वन प्रदेश है, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो लड़का के साथ। रास रंग में खोई है। गया था मुझे, हे ईश्वर क्षमा करना। स्वामी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
विलंब के लिए क्षमा स्वामी, निर्मल जल ले आई हूँ। निर्मल जल? निर्मल मन से लाया हुआ जल निर्मल होता है। तुम्हारा मन दूषित हो चुका है। तुमने अपनी पवित्रता खो दी है। ऐसा क्या अपराध हो गया है मुझसे स्वामी? मैं निर्दोष हूँ, पूरी तरह से पवित्र। पवित्र? चित्ररथ गंधर्व के प्रति मोहित हो गए थे ना तुम? हाँ स्वामी, किंतु वो तो मात्र मन की भावना। मन तो चंचल हो गया था ना? मन ही तो सारे पापों की जड़ है रेणुका। हम सबको मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का पाठ पढ़ाते हैं, और तुम नहीं रेणुका, नहीं, मानसिक रूप से किया गया व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार से कम नहीं होता है। पिताजी, आप मां को, तुम्हारी मां मर चुकी है मेरे लिए। पिताजी, हमारे मध्य जो भी आएगा वो मेरा द्रोही होगा। रघुवान, आज्ञा पिताजी। मेरी आज्ञा का पालन करोगे? अवश्य पिताजी। खड़ा उठाओ और अपनी माँ का वध कर दो, और अपनी माँ का वध कर दो, और अपनी माँ का वध कर दो। अपनी माँ का वध कर दो, यह मेरी आज्ञा है। का जीना व्यर्थ है जो अपनी पति की दृष्टि में गिर जाए। सोच क्या रहे हो रुक्मवान? वध कर दो मेरा। इस लांछन को ढोते हुए अब मैं नहीं जी सकती। मृत्यु दे दो मुझे, मुक्ति दे दो मुझे। लो, अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे पिताजी, ये मुझसे नहीं होगा। अपनी आज्ञा वापस ले ली थी। मैं उस माँ को मृत्यु कैसे दे सकता जिसने मुझे जीवन दिया? रघुवान, तुम्हारे जीवन में मेरा भी अंश है। तेरी आज्ञा का पालन करो। इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए। मुझसे द्रोह कर रहे हो। आपको शीश ही चाहिए था ना, तो मां के स्थान पर आप मेरा ही शीश ले लीजिए। तुम्हारे रक्त से मेरा लांछन नहीं धुल सकता पुत्र। वध मेरा होना चाहिए। नहीं मां, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आपके प्राणों पर आंच नहीं आने दूंगा। तो तुम भी आज से मेरे लिए मर चुके हो रघुवान। नहीं पिताश्री, नहीं, ये ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। ये महापाप मैं नहीं कर सकता पिताश्री, मैं नहीं कर सकता।
पुत्र कैसे माँ को मार सकते हैं पिताजी? इतने कृतज्ञ नहीं है हम जिन्होंने हमें अपना दूध पिलाया, जिनके आंचल और स्नेह में सुरक्षा पाकर हम बड़े हुए, उनके वध की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं पिताजी? हमें क्षमा करो। पितृद्रोही हो तुम सब, मेरे लिए मृतक के समान हो। ऐसा मत बोलिए पिताजी, हम आपकी संतान मर चुकी है। मेरी संतान, मेरी कोई संतान नहीं है। और ये आश्रम भी मेरे रहने योग्य नहीं। राम राम जो वचन दो राम, आपका पुत्र राम आपको वचन देता है पिताजी, आपकी जो भी आज्ञा होगी बिना कोई प्रश्न पूछे उस आज्ञा का पालन करूंगा। रेणुका का वध कर दो राम। तुमने वचन दिया है राम, परंतु आपकी ये आज्ञा है या मेरी परीक्षा पिताजी? कोई प्रश्न नहीं राम, अपने वचन का पालन करो। रेणुका का वध कर दो राम, और जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करे उसका भी वध कर दो राम। ऐसा हुआ क्या है पिताजी? ऐसा क्या अपराध हो गया है माता से जो आप उनको ये दंड देना चाहते हैं? तुमने वचन दिया है राम, बिना प्रश्न किए मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तुम शब्द ब्रह्म की महिमा जानते हो, ब्रह्म हत्या के दोषी होगे यदि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया राम।
रुक जाओ राम। रुक जाओ राम, मैं कहता हूं रुक जाओ राम। राम रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो राम? मां का वध करोगे तुम? किस मां ने बाल अवस्था से लेकर आज तक हमारे कितने कष्ट उठाए? उनका मन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा राम, नहीं जाने दूंगा। कैसे हो सकते हो राम? बड़े भाई का वध किया तुमने और अब माँ का वध? नहीं राम नहीं। अरे माँ अवध्य होती है, उनके प्राण हरोगे? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा पाप अपने सर पे मत लो, सारी कीर्ति सारा यश मिट जाएगा तुम्हारा। योग योग अंतर, तुम्हें सभी लोग माँ का अंतर कहकर धिक्कारेंगे। बंद करो ये नक्सी होली।
कोई प्रश्न नहीं राम, अपने वचन का पालन करो, रेणुका का वध कर दो राम। यशस्वी हो, तुम्हारा हर प्रहार यशस्वी हो, तुम्हारी जय हो पुत्र। हद कर दो ना। तुमने सिद्ध कर दिया, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम ही मेरे श्रेष्ठ पुत्र हो। पुत्र राम,
तुम्हारी मनोदशा मैं समझ सकता हूं। कदाचित तुम यही सोच रहे होंगे कि अपनी मां का वध करने का कुकृत करवाकर मैंने तुम्हें युग युगांतर तक के लिए अपकीर्ति के अंधेरे में ढकेल दिया। आज जो तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए किया है, आज से पहले ना ही कोई कर सका है और ना ही कोई जन्म जन्मांतर तक ऐसा कर सकेगा। पुत्र कुछ तो कहो, मुझे भय है तुम्हारे भीतर होते प्रश्नों की ज्वाला कहीं तुम्हें भस्म ना कर दे रहा। मौन तोड़ो, कुछ बोलो राम, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, चाहो तो मुझसे वर मांग लो राम। किंतु यूं मौन रहकर स्वयं को ना चलाओ राम। बोलो राम, कुछ तो बोलो। तुमने जो भी किया है मात्र पिता की आज्ञा का पालन किया है, इसका दोषी मैं हूं राम। अब कीर्ति का सारा बोझ मैं उठाऊंगा। तुम तो निर्मल मन हो, शिशु की भांति पवित्र हो। तुम्हारे मन में जो भी है निसंदेह बोलो पुत्र, निसंदेह। तो फिर उनसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया पिताजी जिसका दंड उन्हें इस प्रकार भोगना पड़ा? चित्ररथ गंधर्व की सुंदरता पर मोहित हो गई थी वो, और उसके साथ रासरंग में अपनी सुदबुद्ध खो बैठी थी। तुम्हें संदेह हो रहा है राम? वो मन ही मन सोचने लगी थी कि वो और चित्ररथ सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए रास रचा रहे हैं। अर्थात माँ ये बातें मात्र सोच रही थी, वास्तव में तो वो उस गंधर्व से दूर थी पिताजी। तो क्या हुआ? मानसिक व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार के समान ही दंडनीय है। पाप कर्म का पहला बीज मन में ही पड़ता है, इसलिए मैंने उन्हें दंडित किया। पिताजी, कीचड़ में कमल के रहने से वो कमल अपवित्र नहीं हो जाता। माँ ने वर्षों तक राजसी जीवन जिया, फिर उसका त्याग करके उन्होंने आश्रम के दायित्व को दीर्घकाल से सफलतापूर्वक निभाया। अब यदि एकाएक राज वैभव उनके समक्ष जीवन थोठे तो ऐसे में उनका आस्तिक होना स्वाभाविक है। एक पंछी को वर्षों तक पिंजड़े में कैद करने से क्या वो उड़ना भूल जाता है? मां पूर्णता पवित्र थी। मनसा वाचा कर्मणा का सिद्धांत यही है कि मन से, वचनों से एवं कर्मों से किया गया समर्पण ही सर्वांगीण समर्पण माना जाता है। यदि मां का मन चंचल हुआ भी था तो आप उन्हें कोई मानसिक दंड दे देते। उनकी देह से तो कोई अपराध नहीं हुआ था पिताजी। राम, उतर राम, दुखी मत हो। तुमने तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो कर दिखाया है जो ना तो कभी किसी ने किया है और ना ही कोई कर सकेगा। तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है पुत्र। प्रशंसनीय कार्य? पिताजी, मैंने घोर निंदा वाला कार्य किया है। जघन्यता की पराकाष्ठा थी मेरे कृत्य में। युग युगांतर तक संसार मुझे अपनी ही माता का वध करने वाला कुपुत्र कहेगा और मैंने प्रशंसनीय कार्य किया। मात्र हंता पुत्र के लिए तो तर्पण तक की भी कोई युक्ति नहीं बनी है इस ब्रह्मांड में। ऐसा मत कहो पुत्र, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। चाहो तो अपने कल्याण के लिए मुझसे वर मांग लो पुत्र।
ये कलंक का कीचड़ किसी जल से नहीं धुलेगा पिताजी। यदि फिर भी आप मेरा कल्याण करना चाहते हैं तो मुझे इस ग्लानी से उबरने के लिए मुझे दो वरदान दीजिए। अवश्य पुत्र, जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरी मां और मेरे भाइयों का जीवन, मेरा पहला वर और मेरा दूसरा वर होगा उनकी स्मृति का लोप। उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी स्मरण ना रहे। तथास्तु। देव, भले ही परशुराम ने वरदान के द्वारा अपने माता और भाइयों को जीवन प्रदान करवाया, किंतु क्या उससे उन पर लगा मातृहत्या का कलंक धुल जाएगा? महेश्वरी, ये संसार भी बहुत विचित्र है। अच्छाई अधिक दिन तक कोई स्मरण नहीं रखता, किंतु बुराई सब सदैव के लिए अपनी स्मृति में बसा लेते हैं। जैसे कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के साथ हुआ था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के साथ? आपका संकेत किस ओर है देव? प्रिय, ये उस समय की बात है जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। देवर्षि नारद, सप्तऋषि, दक्ष आदि के मानसिक सृष्टि के पश्चात उन्होंने संध्या, रति और कामदेव आदि को मन से उत्पन्न किया। कामदेव को उन्होंने मोहन, मारण आदि काम बाण प्रदान किए, जिनके प्रयोग से स्त्री पुरुष आकृष्ट होकर आपस के समागम से संतान उत्पत्ति कर सके। किंतु चंचल मन कामदेव अपने बाणों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए उसे ब्रह्मदेव और संध्या पर ही चला दिया। देखते ही देखते ब्रह्मदेव संध्या के प्रति आकृष्ट हो गए। चूंकि संध्या को ब्रह्मदेव ने अपने मन से उत्पन्न किया था, वो उनके लिए पुत्री के समान थी। परिणाम स्वरूप ब्रह्मदेव को शापित होना पड़ा। दोष कामदेव का था, किंतु उसका फल ब्रह्मदेव को भोगना पड़ा। संसार में उन्हें अपूज्य घोषित कर दिया गया। ये तो सत्य है देवेश्वर, परशुराम को भी जगत में सब एकमात्र हंता के रूप में ही जानेंगे, परंतु ये भूल जाएंगे कि उन्होंने ही वरदान देकर अपने माता और भाइयों को पुनः जीवन दान दिलाया। ये कलंक का कीचड़ किसी जल से नहीं धुलेगा पिताजी। अपने वचन का पालन करो। रेणुका का वध करो राम, और जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करे उसका भी वध कर दो राम। ऐसा क्या अपराध हो गया है माता से जो आप उनको ये दंड देना चाहते हैं? तुमने वचन दिया है राम, बिना प्रश्न किए मेरी आज्ञा का पालन करोगे। चले गए थे पिताश्री? सायं वंदन का समय हो गया था।
माँ भी आपके बारे में पूछ रही थी, आपने उन्हें भी कुछ नहीं बताया? कुछ आवश्यक कार्य से राम के पास गया था। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो माँ शशक का शीघ्र उपचार करो, न जाने किसने इसे घायल कर दिया है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? चमकने वाले मेरे पुत्र के नेत्रों में आज बादल क्यों उमड़ घुमड़ रहे हैं? राम, क्या हुआ? क्या हो गया है इसे अचानक ऋषिवर? कुछ नहीं, मुझे बोल रहा था कि माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए मेरे साथ चलाया। अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है ना, कभी कभी भावनाओं पर नियंत्रण करना असंभव हो जाता है। उठो उठो उठो, तुम मेरे वीर पुत्र हो ना, और वीर कभी ऐसे विलाप करते हैं क्या? बस मेरे लाल, बस